नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका बच्चा जैसे कि फीडिंग करता है बोतल के थ्रू, तो आप जो बच्चों को प्लास्टिक की बोतल इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या अलग से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिससे कि बच्चों को ज़्यादा हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो प्लास्टिक्स की बोतल होते हैं, माना कि BPA फ्री होती हैं, लेकिन फिर भी जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं उसमें कीटाणु वगैरह ना हों। तो आप जो है प्लास्टिक की बोतल की जगह आप यूज़ कर सकती हैं इस तरह की ये जो स्टील की बोतल है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको भी पैक कर दिया है आपको दिखाने के लिए। ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं बच्चे को लेकर के, तो आप इजीली इसको लेके जा सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके किसी को मतलब जैसे बच्चे को जल्दी दिखा बच्चे का जो बच्चे ने कितना दूध पिया ये जल्दी दिखाया नहीं जाता है, तो उसके लिए आप इस तरीके की बोतल बाहर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को पानी वगैरह देने के लिए बोतल को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है, तो आप इस बोतल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी क्वांटिटी वगैरह क्या है। जैसे कि ये 1 क्वांटिटी एक ही आई है, और ये जो 250 ml की होती है, जैसे कि नॉर्मली और बोटल्स होती हैं हमारी है। ये सिलिकॉन निपल्स बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी है, मैक्सिमा की है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, और मैंने सोचा मैं आज इसके साथ इसका जो रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि मैं बाहर कहीं जाती हूँ, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बोतल को एक तो होल्ड करना बहुत इजी है, ठीक है ना। दूसरी सेकेंडली बात क्या होता है कि बच्चे को आप इजीली इसमें दे सकते हो, पानी वगैरह लेके जा सकते हो। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो आपको नहीं बताना चाह रहे हो कि आपके बच्चे कितना दूध पिया है, उसने कितना पिया है, तो आप इस तरीके की बोतल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी कि उसने कितना दूध पिया है, ठीक है ना। अगली चीज़ जैसे कि इसका मैंने निप्पल कहा, बहुत ही अच्छा है ये, देखिए इसी के साथ आता है। इसका जो अगर मैं प्राइस की बात करूँ आपके साथ में, तो इसका जो प्राइस है इसका ये देखिए 390 का है। ये आपको मतलब 400 रुपये के अंडर अंडर में इस ये इजीली मिल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो है आपको वॉश करना इजी होता है। देखिए इसको मैंने जैसे कि यूज़ किया हुआ है, तो अभी देखिए पानी भी अंदर है, इसको मैंने वॉश भी किया था। बच्चे को जैसे पानी वगैरह कभी कभी देना होता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूध की बोतल्स को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया तरीके का है कि इस तरीके की बोतल को आप यूज़ कीजिए, स्टील की बोतल्स जो होती हैं, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। इसमें ज़्यादा हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ ही सिर्फ निपल्स की बात होती है, तो इसको आप 5 मिनट के अंदर छोटी सी किसी भी कटोरी या किसी बाउल के अंदर इजीली बॉइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको इसमें फिट कर देना है, और ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा इजीली होल्ड कर लेता है और इसको पी सकता है। ये देखिए देखिए आप, और साथ ही साथ ये एक छोटी सी आपको ये कह लीजिए ग्लास टाइप में आपको मिल जाता है, जो कि बच्चे के लिए कहीं पे भी आप इसमें जूस वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा पिलाना चाहती हैं तो वो भी आप दे सकती हैं। ये देखिए, अगर आपको बच्चा जैसे कि दूध नहीं पीना छोड़ रहा है, 3 साल का हो गया बोतल से दूध पीना नहीं छोड़ रहा है, या पानी पीना नहीं छोड़ रहा है, तो आप इस तरीके की बच्चे को बोतल दे दीजिए। इससे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ ग्लास जैसी कोई चीज़ है। कुछ दिनों बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसका निप्पल हटा दीजिए, इस तरीके से निप्पल हटा दीजिए, जैसे कि ये निप्पल नहीं है बेटा, ये देखिए। अब आप बच्चे को ये कह दीजिए कि बेटा आप यहीं से दूध पानी पीजिए, तो बच्चे थोड़ा बहुत फैलाएगा मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत इससे पानी पीना सीखेगा या दूध पीना सीखेगा। फिर आप इस तरीके से सिर्फ बोतल दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो बेटा इस तरीके से इससे आप दूध पीजिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आप बच्चे का दूध भी अगर छुड़ाना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एज अ ग्लास के रूप में भी आप बच्चे को दे सकते हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे सभी मम्मी के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।